झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते।